नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। हम देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे, वो दिन की जिसका वादा है, जो लोहे अजल में लिखा है। ये मशहूर शायर फैज अहमद फैज की लिखी हुई नज्म है, लेकिन इस पर आजकल बवाल शुरू हो गया है। दरअसल आईआईटी कानपुर के छात्र नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के लिए जुलूस निकाल रहे थे और वहीं पर उन्होंने फैज अहमद फैज की नज्म गुनगुनानी शुरू कर दी। इसके बाद कैंपस के कुछ छात्रों और फैकल्टी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और कह दिया ये हिंदू विरोधी है। अब इस पर मशहूर शायरों और इतिहासकारों के भी बयान आ गए हैं। शायर मुनव्वर राना और इतिहासकार इरफान हबीब का भी बयान सामने आया है। इस पूरे मामले पर जो विवाद है उस पे शायर, गीतकार, लेखक जावेद अख्तर ने इसे बेतुका बताया है। जावेद अख्तर ने बताया, फैज ने ये नज्म पाकिस्तान में जाउल हक की सरकार के खिलाफ लिखी थी। आईआईटी कानपुर ने इस पूरे विवाद में एक कमेटी गठित की है। इसमें वो ये देखेंगे कि फैज अहमद फैज की जो कविता है वो हिंदू विरोधी है या नहीं। फैकल्टी सदस्यों की कंप्लेन पर एक कमेटी गठित की गई। आईआईटी कानपुर के छात्रों ने जामिया मिलिया इस्लामिया छात्रों के समर्थन में 17 दिसंबर को एक शांतिपूर्वक जुलूस निकाला था। फैज साहब, ये जो नज्म है, कविता है, ये बहुत जमाने से, यानी जब जिस जमाने में सफदर हाशमी का कत्ल हुआ था, तो उस जमाने से जो नुक्कड़ नाटक वाले हैं इसको रदजगे के तौर पर इस्तेमाल करते थे कि कहीं कारखाने के बाहर हड़ताल है, वहाँ भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, सर्दी है, थपेड़े उनके सर्दी गए हैं, गर्मी है, गर्मियों में तो झक्का चल रहे हैं, वहाँ बैठ करके वो अपना गा रहे हैं। तो ये भूख जो है जो गुनगुनाने पे मजबूर करती है, वो रोमांटिक गाने नहीं उस आदमी गाता है। भूख में कोई आदमी बहारो फूल बरसाओ मेरे महबूब आया है नहीं गाता है। भूख में आदमी यही सोचता है कि ये इनकलाब जो है वो इनकलाब आएगा। और यहाँ जो बुध गिराने का मतलब है, तो बुध का मतलब ये होता है कि जैसे हम रावण का बुध बनाते हैं और उसको फिर फूंक देते हैं, इसलिए फूंकते हैं कि दुनिया को मालूम हो कि ये बुध जो है ये पाप का बुध था, ये जो हमने बनाया है ये रावण नाम का, इसका दुनिया में होना ठीक नहीं है। हर बार हम उसको बनाते हैं, उसको बिगाड़ देते हैं। बुध का मतलब यहाँ ये नहीं है कि हम के फैज साहब हिंदू देवी देवताओं के बारे में बोल रहे हैं। फैज साहब जो अफ्रो एशियन के कवि सम्मेलन में मुशायरे में वहाँ कलकत्ता आए थे, उसका संचालन मैं कर रहा था। तो जो 18 जबान के जो कवि और शायर थे, वेतकांग के, वियतनाम के, कोरिया के, यहाँ के, वहाँ के, उन सब लोगों से जब वो हिंदुस्तान का परिचय करा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये है हमारा जन्नत निशान मुल्क जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है। जाहिर सी बात है उनके जहन में वो हिंदुस्तान रहा होगा जब वो मिलिट्री में थे और ये पाकिस्तान नाम का कोई मुल्क बना नहीं था, और हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान हुआ करता था, टुकड़े टुकड़े वाला हिंदुस्तान नहीं था। हम आईआईटी को इसका कतई इसकी इजाज़त नहीं दे सकते हैं कि वो शायरी का फैसला करे, इसलिए कि आईआईटी 1,00,000 साइंटिस्ट पैदा कर सकती है, लेकिन वो 1,00,000 साइंटिस्ट मिलकर भी एक रामायण नहीं लिख सकते। जब रामायण लिखना होगा तो एक कवि उठेगा, एक शायर उठेगा, उसका नाम आचार्य तुलसीदास होगा। भाई तो मत पढ़ो फैज को, तुम्हारा ही नुकसान होगा, बिल्कुल हंगामा गलत बरपा है। अनलहक का मतलब तो यह है कि मैं खुदा हूँ, तो वो तो इस्लामी हुआ नहीं बिल्कुल। अब पाकिस्तान के मुसलमानों को ये मंजूर है कि फैज की नज्म खूब पढ़ें जिसमें यह लिखा है, उठेगा अनलहक का नारा जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, तो वहाँ तो किसी को एतराज़ नहीं हुआ। आपको इस पर एतराज़ हो गया कि उन्होंने कहा है कि काबा से बुत उठाए गए, तो काबा में जो बुत थे वो कभी हिंदू नहीं थे, उनसे हिंदुइज्म से क्या मतलब है। तो ये तो बेकार की बातें हैं। अगर आईटीआई के कहती है कि एंटी हिंदू नज्म है, तो अपनी बेवकूफ़ी और जहालत वो साबित करें। देखिए, फैज की किसी बात को या उसके शेर को एंटी हिंदू कहा जाए, ये मतलब इतना अक्सर्ड और फनी है कि इस पर सीरियसली बात करना थोड़ा मुश्किल है। फैज अहमद फैज जो एक समझिए जो हिंदुस्तान में अनडिवाइडेड इंडिया में प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट हुआ था, उसके एक लीडिंग स्टार फैज अहमद फैज थे। हिंदुस्तान में आज़ादी आई, लेकिन साथ में पार्टीशन भी हुआ,
लाखों लोग बेघर हुए, मरे, यहाँ से वहां आबादी गई। फैज ने नज्म उस वक्त क्या लिखी थी, ये दाग दाग उजाला ये शब गजीदा सहर, यानी वो सुबह जिसे रात ने डस लिया, ये सुबह तो है मगर इसे रात ने डस लिया है कि उसी के साथ पार्टीशन भी हुआ, ये वो शहर तो नहीं जिसकी अरजू लेकर चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं ना कहीं। जिस आदमी ने ये दुख दिखाया था कि ये मुल्क के टुकड़े कैसे हो गए, उस पे पोएम लिखी थी, उसके बारे में ऐसी बात करना, वो आदमी जो कि अपनी जिंदगी के जो उसने साल पाकिस्तान के हैं उनमें से आधे बरस तो मुल्क से बाहर गुजारे इसलिए कि वो मुल्क में रह नहीं सकता था, जिसको एंटी पाकिस्तान कहने लगे थे लोग, होता क्या है आजकल यहाँ एंटी इंडिया कहते हैं, जहाँ आपने फंडामेंटलिज्म के खिलाफ बात की, जहाँ आपने तंग नजरी और नफरत के खिलाफ बात की तो कहते तुम देश के खिलाफ हो। वही उसके साथ हुआ कि वो बरसों तक तो पाकिस्तान से बाहर रहा। और ये पोएम जिसका जिक्र आजकल हो रहा है, ये पोएम लिखी थी फैज ने जियाउल हक की सरकार के खिलाफ, जो कि फिर वही कम्युनल और रिग्रेसिव और फंडामेंटलिस्ट सरकार थी, यानी पाकिस्तान में भी जो रिग्रेसिव कहला है और फंडामेंटलिस्ट कहला है तो वो कितना फंडामेंटलिस्ट होगा आप सोचिए, उसके खिलाफ ये पोएम लिखी थी। उसमें किसी ने एक वर्ड पॉइंट आउट भी किया है कि साहब इसके क्या मतलब है, गूंजेगा अनल हक का नारा। ये अनल हक का मतलब क्या है? अनल हक का मतलब है अहम ब्रह्म। ये इस्लामिक थॉट नहीं है, ये सूफी ने शुरू किया था अनल हक, जो अद्वैत की फिलोसफी है कि क्रिएशन और क्रिएटर अलग नहीं है, सब एक है। जो इंसान है या जो कुछ है वो गॉड का ही मैनिफेस्टेशन है, उसी का एक रूप है, इसलिए कि दो चीजें ही नहीं है, सब एक। ये इस्लामिक थॉट नहीं है, इस्लाम में, क्रिश्चियनिटी में, जूडाइज्म में गॉड जो है वो एक मास्टर है, मालिक है, एक हाकिम है और इंसान रियाया है, जनता है, वो उसके दरबार में है, वो उसकी हुकूमत में है और ये उसको देख रहा है, उसके बारे में फैसला करेगा और या तो उसे जन्नत भेजेगा, दोजख, हेल, हेवन, जो भी। लेकिन ये और वो एक नहीं है, क्रिएटर और क्रिएशन एक नहीं। ये फिलॉसफी जो है ये वैदिक फिलॉसफी है कि क्रिएटर और क्रिएशन एक, जो सूफीज ने भी ली हुई। अनल हक का नारा सूफी लगाते थे फंडामेंटलिज्म के खिलाफ, ट्रेडिशनल रिग्रेसिव रिलीजियस इंटरप्रिटेशन के खिलाफ। और सरमद नाम का एक फकीर था इसी दिल्ली में जो अनल हक का नारा लगाता था और अनल हक के नारे की वजह से उसकी गर्दन कट गई। किसने कटवाई? औरंगजेब ने। औरंगजेब अनल हक के नारे के खिलाफ था, कहता था ये इस्लाम के खिलाफ नारा, इसमें तो तुम कह रहे हो कि तुम और खुदा अलग नहीं हो। तो अभी आप समझिए कि फिर औरंगजेब उसके खिलाफ हो गए, इस नारे की वजह से एक सूफी की गर्दन औरंगजेब ने कटवाई थी। तो आज जो लोग अनल हक के खिलाफ बोल रहे हैं वो औरंगजेब की तरफ से बोल रहे हैं, यही तो उसके विचार थे, यही उसकी थॉट थी कि अनल हक ये कैसे कह रहे हैं, ये इसको ये कहना कि हिंदुओं के खिलाफ, इसके ऊपर तो इल्जाम ये रहा है अनल हक के ऊपर कि ये तो हिंदू फिलॉसफी है। अब ऐसे जाहिलों से, ऐसे बेवकूफों से कैसे बात की जाए, तरकीब बताइए।